हे दोस्तों, मैंने आज तक मीशो के ऊपर एक भी वीडियो नहीं बनाया। मैंने एक भी वीडियो इस टाइप से नहीं बनाया कि यार मीशो में हम ऑर्डर कैसे ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या था कि मैं आज तक मीशो के ऊपर एक भी पॉजिटिव वीडियो नहीं बनाया। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ डार्क साइड दिखाने वाला हूँ मीशो के। बट उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक नई एप्स आई है शॉपसी, ठीक है। तो शॉपसी और मीशो दोनों में फर्क क्या है और इस दोनों ऐप की डार्क साइड क्या है, ये रीसेलर्स को यूज कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले हम इनके बिजनेस मॉडल को समझेंगे। अब मीशो का देखो बिजनेस मॉडल सिंपल सा है, उसमें प्रोडक्ट रहता है, आप उसका रीसेल कर सकते हो, अपने हिसाब से आप कमीशन उसमें जोड़ सकते हो। बट एक नई ऐप आई है जिसका मेथड थोड़ा सा अलग है, जो कि है शॉपसी। शॉपसी का बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या होता है, उसमें आप कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो उसमें कमीशन पहले से दिया रहता है। यानी आप एक प्रोडक्ट बेचोगे तो उसमें पहले से एक अमाउंट दिया रहता है कि ये प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो तो 15 रुपए आपको मिलेगा, या फिर 25 रुपए मिलेगा, या फिर 50 रुपए मिलेगा। हर प्रोडक्ट का अलग अलग कमीशन पहले से दिया हुआ रहता है। बट मीशो में आप अपने हिसाब से कमीशन जोड़ सकते हो। अब बात आती है कि शॉपसी का जो बिजनेस मॉडल है, क्या वो पहले कभी हमने देखा है? तो ये बिजनेस मॉडल पहले बहुत सारे ऐप्स ने लाया है, जैसे वूपलर हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐप्स है जो इस बिजनेस मॉडल को लाए हैं और बहुत अच्छे से इन लोग फेल हुए अपने बिजनेस में, ठीक है। कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि यार शॉपसी ने इस तरीके से बिजनेस मॉडल क्यों लॉन्च किया है, तो ये चीज हम वीडियो के लास्ट में समझेंगे। और ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि रीसेलर्स हमारे साथ जुड़ो और रीसेलिंग करो, इसके पीछे के कारण क्या है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। बट आप अगर कंफ्यूज हो कि मैं अपना बिजनेस मीशो से करूं फिर शॉपसी से, तो उसके लिए कंपैरिजन मैं बता देता हूं। आप अगर मीशो से करोगे तो डेफिनेटली आप अपने चार्जेस वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, अपने हिसाब से चार्जेस लगा सकते हो। अगर आपका कस्टमर बार्गेनिंग करता है तो डेफिनेटली आप प्राइस कम भी कर सकते हो। बट शॉपसी में ये पॉसिबल नहीं है, जो प्राइस वो बोलेंगे उसी प्राइस में आपको सेल करना पड़ेगा। सेकंड चीज क्या है, मीशो के जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं है, बट जो शॉपसी है वो फ्लिपकार्ट की कंपनी है, फ्लिपकार्ट का सब कंपनी है, तो डेफिनेटली उसकी जो क्वालिटी होगी वो कंपेयर टू मीशो के काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। बट उसमें जो कमीशन है वो आपको कम मिलेगा। तो अगर आप स्टार्टिंग में रीसेलिंग करना चाहते हो तो ऐप्स के जरिए आप कर सकते हो। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया है कि आप अगर रीसेलिंग स्टार्ट करते हो तो ऐप से करो, बट उसके बाद आप ऐप से रीसेलिंग करना छोड़ दो। ये मैं पिछले एक साल से बोलते आ रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है, अब देखो दोनों ऐप की हम डार्क साइड को समझेंगे। एक हो जाता है मीशो। अब देखो स्टार्टिंग में मीशो क्या हुआ था, मीशो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, रीसेलर्स वहाँ से प्रोडक्ट लेते थे, अपने कस्टमर को बेचते थे। बट आज के टाइम आपका जो कस्टमर है वो जानता है कि आप प्रोडक्ट कहाँ से सेल कर रहे हो, तो वो आपके पास नहीं आएगा, वो डायरेक्ट मीशो से लेगा। इवन मीशो क्या कर रहा है, कपिल शर्मा शो में अपना एड्स दिखा रहा है, टीवी एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रचार कर रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, आपके कस्टमर को पता चल गया कि आप प्रोडक्ट कहाँ से लेते हो। और देखो एज अ रीसेलर्स ये सबसे बड़ा की रहता है आपके बिजनेस का, कि आप जहाँ से प्रोडक्ट लेते हो वो आपके कस्टमर को पता नहीं चलना चाहिए। अगर पता चल गया तो डेफिनेटली आपका कमाना बंद हो जाएगा, आपकी इनकम जीरो हो जाएगी, जो कि अभी स्टार्ट होने भी लगी है, क्योंकि मीशो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दिया है। अब बात करेंगे शॉपसी का। अब शॉपसी का देखो स्टार्टिंग मेरे को कहाँ से पता चला, मैंने टीवी में सबसे पहले ऐड देखा था शॉपसी का, तो शॉपसी भी डायरेक्ट कस्टमर से जुड़ रहा है और रीसेलर्स को बोल रहा है कि हमसे प्रोडक्ट लेके रीसेलिंग करो। तो अब बात आती है कि ये दोनों ऐप ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो सबसे मेन रीजन जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। मीशो जो है पहले रीसेलिंग के लिए काम करता था, बट अब रीसेलर्स के लिए वो काम नहीं करता है। उनका जो मेन फोकस है वो है कस्टमर बनाना, यानी अपना जो ऐप है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसा वो बनाना चाहता है, और सिर्फ इसके लिए उसने रीसेलर्स को यूज किया है। हालांकि हम पॉजिटिव साइड भी देख सकते हैं, रीसेलर्स बहुत ज्यादा कमाए हैं मीशो के जरिए, और मीशो ने उसको सिखाया है कैसे रीसेलिंग कर सकते हैं। तो एक तो पॉजिटिव साइड भी हो जाता है मीशो का, बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया है मीशो के थ्रू, बहुत सारे होलसेलर्स ने भी कमाया, साथ ही साथ रीसेलर्स ने भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पैसा कमाया। बट हम बात करें पास्ट का, अगर हम बात करते हैं फ्यूचर का, तो आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। मीशो से आप बहुत लॉन्ग टर्म तक पैसा नहीं कमा सकते हो, क्योंकि वो अभी चाहता ही नहीं है कि रीसेलर्स हमारे साथ जुड़े, वो अभी कस्टमर के पास जाना चाहता है, ठीक है। उसको रीसेलर्स अभी बीच में नहीं चाहिए, इसलिए वो रीसेलर्स का ज्यादा सपोर्ट भी अभी नहीं करता है। इसलिए पिछले एक साल से मैं सिर्फ होलसेलर्स, डीलर्स, स्टॉकिस्ट, उनका नंबर मैं अपने इंस्टाग्राम में शेयर कर रहा हूँ। 100 से ज्यादा मैंने होलसेलर्स, डीलर्स और सप्लायर का नंबर आप लोगों के साथ शेयर किया है, ताकि आपके कस्टमर्स को पता ना चले कि आप प्रोडक्ट कहाँ से ले रहे हो, साथ ही साथ उनसे आप सिंगल में भी प्रोडक्ट ले सकते हो। तो ये कारण है जो कि मुझे पहले से पता था कि मीशो ये सारी चीजें करने वाली है। अब बात आती है शॉपसी की। अब देखो उसका मेन बिजनेस मॉडल क्या है, वो क्या चाहता है, वो बेसिकली यही चाहता है कि रीसेलर्स की एडवर्टाइजमेंट करे, और जो एक बिजनेस का मेन मकसद होता है फंड उठाना। जब आप उनके साथ जुड़ोगे, उनके ऐप्स को डाउनलोड करोगे, उनका रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा, तब वो अपने इन्वेस्टर को दिखा सकता है कि यार हमको इतने बिलियन डॉलर चाहिए ताकि हम अपनी कंपनी को ग्रो कर सके, और उससे क्या होता है इन्वेस्टर उनको पैसा देता है, ठीक है। तो बेसिकली रीसेलर्स यहाँ पे यूज होते हैं, एट द एंड रीसेलर ही यूज होते हैं। तो अगर एक्चुअल में आप रीसेलिंग बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हो, आप चाहते हो कंटिन्यू इनकम जनरेट करना, तो उसके दो जरिए है। एक तो ये कि मैं जो होलसेलर डीलर इन लोग का नंबर देता हूँ उनसे आप प्रोडक्ट लो, या फिर खुद से आप ढूंढ लो नए नए होलसेलर डीलर,
या फिर दूसरा अपना स्टॉक लेना आप स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे स्टॉक बढ़ा दो, तो उससे क्या होगा आप खुद पे डिपेंड हो जाओगे, आपको किसी एप्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। और एट द एंड आपको ये करना ही है, मीशो शॉपसी यहाँ पे आप सीखने के लिए जाओ, स्टार्टिंग में रीसेलिंग बिजनेस ये सारे एप्स के थ्रू करो, बट उसके बाद आपको खुद पे डिपेंड होना ही पड़ेगा एट द एंड, ठीक है। ऐसे एप्स के ऊपर ज्यादा टाइम तक आप डिपेंड नहीं हो सकते हो। तो इनको जितना पैसा कमाना था, ठीक है, मीशो ने भी अभी इन्वेस्टमेंट उठा ली है, ठीक है, अच्छा खासा उसने इन्वेस्टमेंट उठा लिया है, $1 बिलियन का इन्होंने इन्वेस्टमेंट उठा लिया, तो उनको भी रीसेलर्स की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझो, उतनी जल्दी अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लो, अपने स्टॉक लेके आओ, फिर नए डीलर के साथ जुड़ो और बिजनेस में आगे बढ़ो। तो फाइनली ये वीडियो को हम यहाँ खत्म करेंगे, बट उससे पहले एक चीज आप जान लो, आप अगर रीसेलर्स और आपका कोई फ्रेंड है रीसेलर्स, तो डेफिनेटली इस वीडियो को उनके साथ शेयर करो, उन तक ये चीजें पहुंचाओ, उनको बताओ कि यार रीसेलिंग बिजनेस किस तरीके से ग्रो करे, कैसे हमको खुद पर डिपेंड होना है, किसी बंदे के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। अगर कोई रीसेलर आपका फ्रेंड है तो दोनों साथ में स्टॉक लेके आओ और धीरे धीरे कदम बढ़ाओ और खुद का प्रोडक्ट बेचना चालू करो। उसमें क्या होता है प्रॉफिट भी काफी ज्यादा होता है, मीशो वगैरह में क्या होता है प्रोडक्ट भी अच्छी नहीं आती है, तो आपके जो कस्टमर है वो भी बिगड़ जाते हैं। ये सारी चीजें आप एनालाइज करो खुद से और खुद का स्टॉक लेना स्टार्ट करो। इस वीडियो को मैं यहां खत्म करता हूं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको कुछ भी 1% भी आपको प्रॉफिट दिया है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लाइक करना और शेयर अप जरूर करना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर मैंने बहुत सारे होलसेलर्स के नंबर भी दिए, उनसे जाके भी जुड़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।